तो आज की हमारी डॉकर प्लेलिस्ट की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे डॉकर का उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉग को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले सुडो एपीटी अपडेट रन कर लेते हैं कमांड। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे एंड कर्ल कमांड को। देन नेक्स्ट रजिस्टर डॉकर जीपीजी कीरिंग विद एपीटी, दिस विल लेट एपीटी वैलिडेट द डॉकर पैकेज यू इंस्टॉल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट कमांड। ये क्या करेगा, आपका एक डायरेक्टरी बनाएगा कीरिंग की एपीटी के अंदर। उसके बाद सेकेंड कमांड रन कर लेते हैं। एंटर। देन थर्ड कमांड उसको परमिशन देगा सीएच मोड करके। उसके बाद नाउ यू कैन ऐड द डॉकर पैकेज सोर्स टू योर सिस्टम। इसको कॉपी कर लेते हैं। देन एग्जीक्यूट दिस कमांड एज वेल। अब हम क्या करेंगे, इसको सुडो एपीटी अपडेट करेंगे दोबारा से। अपडेटेड। देन अब यहां से हम क्या करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे दिस कमांड, डॉकर सीई, डॉकर सीई सीएलआई। ठीक है, डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम डॉकर का वर्जन चेक करेंगे कौन सा वर्जन हमारा इंस्टॉल हुआ है। डॉकर का वर्जन 25। ठीक है, एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेंगे और इसी कमांड के थ्रू हम स्टार्ट स्टॉप और रीस्टार्ट कर सकते हैं डॉकर की सर्विस को। करेक्ट, डन। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग डॉकर इंजन परमिशन ऑन ओपन, तो सूडो यूजर एड डॉकर। इस कमांड से क्या होगा, जो आपका यूजर है, जैसे मेरा टेक टू टूवर्ड यूजर है, अगर आप AWS EC2 इंस्टेंस पे कर रहे हैं तो मे बी EC2 यूजर और आपका ओपन तो हो सकता है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक ग्रुप में है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर मोड, यूजर को डॉकर के ग्रुप की परमिशन दे देंगे। देन ओके। उसके बाद रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू टेक द इफेक्ट ऑफ परमिशन, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि आपका जो डॉकर की परमिशन है वो प्रॉपरली आपका चले। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो आपको ना प्रॉपर एरर आएगी। मैं दिखा देता हूँ क्या एरर आएगी। मैं अगर डॉकर रन हेलो वर्ल्ड कमांड से इसको रन करूंगा तो अभी देखना क्या होगा, ये बोलेगा परमिशन डिनाइड। इवन हम लोग इस कमांड से परमिशन भी दे चुके हैं लेकिन क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक बार रिबूट कर लेंगे। सुडो रिबूट, एक बार रिबूट कर लेते हैं इंस्टेंस को, फिर वही सेम कमांड हम रन करके देखते हैं। ठीक है, और मीन वाइल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्रुप लिंक भी मैं आपके साथ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो उस ग्रुप में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, लाइक कि कोई भी टेक्निकल इशू हो हम उसके ऊपर असिस्टेंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद इन 5 मिनट्स में हम आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब हमने कर लिया है रिस्टार्ट, हमने कंप्यूटर अपना कर लिया है। अब हम डॉकर रन करके ये इमेज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रन हो रही है विदाउट सुडो करेक्टली, ये आपकी होने लगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोज इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली कंपोज क्या होता है, कंपोज होता है आपका, कंपोज क्या करता है, मल्टी कंटेनर रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी के लिए ना इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डॉकर कंपोज कैसे लिखते हैं, कैसे मल्टी कंटेनर इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, वो आगे हम अपनी दूसरी वीडियो उसमें करेंगे। अभी तो हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है, देन उसके बाद डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, डॉकर कंटेनर क्या होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और बिलीव मी, अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली ना तो आप स्मूथली आप डॉकर पे खेलोगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये हो गया फिलहाल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।